आई थिंक मैं क्या कहती हूँ, गुजर गया. सानिया भी ये जानती है, मोहसिन भी ये जानता है, हमारे जो वालिदैन हैं, वो दे हैव ट्रेन्ड अस आई थिंक टू टेक ऑन एवरीथिंग दैट कम्स ऑन. आई थिंक हम सब की परवरिश ऐसी हुई है, रजा आपकी भी वैसी हुई है कि जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो करो, और जस्ट एक एक दिन लेके हर चीज को अपने सर पे ना हावी करो. और मेरे ख्याल में एक और चीज जो हम सब ने सीखी वो ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है. और बहुत बड़े मसाइल हैं और बहुत गम है दुनिया में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो आई थिंक ये हमारा एटीट्यूड जो है, मेरे ख्याल में हम तीनों को इस तरह की परवरिश दी गई है, आपको भी, हम चारों को, कि टू जस्ट फॉर ऑन एंड नॉट नॉट सी थिंग्स एज सच अ बिग बैटल. हर चीज का एक सोल्यूशन है, और हर चीज को पस पैन करके अपने आस्तीन ऊपर करो और चलो आगे बढ़ो. बहुत आई थिंक मेरा एक और, आई वॉज वेरी लकी इन दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह. एंड मुझे हर मरहले पे, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था जब मेरा डायग्नोज हुआ कैंसर, और सर्जरी हुई और कीमो शुरू हुआ, लेकिन मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आई फेल्ट कि मेरा एक कॉस्मस में एक एनर्जी है जिसके मैं हवाले हूँ, और वो इट्स सॉर्ट ऑफ मेरी निगेबानी कर रही है, एंड आई एम टेकन केयर ऑफ. बहुत जबरदस्त। तो फेथ ने आपका जो वो क्या कहते हैं यकीन और ईमान और एक जो आप कह रही हैं उसने भी आपको बहुत सहारा दिया। और यकीनन आप कहती रहती है दोस्तों को और फ्रेंड्स, रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स सब। तो लेकिन ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं कि ये जो फेथ की आप बात कर रही हैं ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें और फिर मैं सानिया की तरफ बढ़ूंगा। मैं हमेशा से आई बीन अ बिलीवर, एंड माज अल्लाह ताला की जो जो मतलब मुझे हमेशा कुर्बत एक महसूस रही है अल्लाह ताला से, इसलिए क्योंकि मुझे कुदरत से बहुत कुर्बत महसूस हुई है, और मुझे नेचर से मैं बहुत करीब हूँ, चाहे वो जानवर हो या दरख्त हो या आबो हवा हो या परिंदे हो, आसमान हो, और इसमें ही वो जो एक क्रिएटिव प्रोसेस है उसकी आर्टिस्ट्री और उसकी हर चीज आपको महसूस होती है नेचर के जरिए. लेकिन जब मैं बीमार हुई, मुझे एक और तरीके से ये महसूस हुई, मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक एनर्जी या एक फोर्स मुझे समझाया जा रहा है कि तुम भाई घबराओ मत, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें मैंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और वो तुम हो, और तुम्हारे अंदर एक फौज है जो तुम्हें बचाएगी और तुम्हें बार बार बचाएगी, और बस मैं हूं. और जब मैंने ये जो भी, मतलब एज अ मुस्लिम आई रिकग्नाइज दिस एज अल्लाह. लेकिन बहुत सारे जो मेरे दोस्त जो एथियस्ट हैं, मैं उनको भी कहती हूँ कि ये एनर्जी मौजूद है कायनात में. आई मीन इट इज देयर फॉर एनी वन ऑफ अस टू टैप इन टू, वेदर यू आर रिलीजियस नॉट रिलीजियस. एंड वेन यू टैप इन टू इट, यू रिमेम्बर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, आप कुदरत का हिस्सा हो. तो जैसे ये दरख्त बर्फ और सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, मैं भी कैंसर को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं भी उसी कुदरत का एक हिस्सा हूँ जिसका ये दरख्त है और ये बाकी कुदरत के जितने भी सेंटियंट बींग्स हैं, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ. एंड बस मुझे बहुत हर हर मरले मुझे मैंने कुछ सीखा. और जब मैं बहुत बीमार थी और आइसोलेशन में थी, उस वक्त मुझे लगा जिस तरह कि मैं 2 हफ्ते के एक रिजॉर्ट पे हूँ, क्योंकि एनएचएस जो है, यूके की जो एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सिस्टम, इस मुल्क का ये रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की. और जो हम रियासत मदीना की बात करते हैं पाकिस्तान में, दरअसल वो यहाँ पे एक्चुअली मौजूद है, और अक्रॉस द बोर्ड सबको वो कमाल का इलाज मिलता है. लेकिन मैं टोटली कोमाटोज थी, और मैं बात नहीं कर सकती थी, खा नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, और ये कमाल के नर्स
कमाल के नर्सेज, कमाल के डॉक्टर्स आके मेरा ख्याल रखते थे, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, खामोशी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2 हफ्ते के लिए छुट्टी ले ली है जिंदगी से, बस रिलैक्स, माइंड ऑफ, इमोशंस ऑफ। और जब मैं वहां से बाहर आई और मैंने पहली बार हवा को दोबारा महसूस किया, आसमान को दोबारा देखा, दरख्त देखे, तो बावली सी हो गई। खैर, आसानियां और मोहसिन आपको बताएं, आप खुद भी जानते हैं कि मैं वैसे भी बावली हूँ, लेकिन मजीद और हो गई। आई थिंक हर चीज में, और ये अगेन ये मैंने अपने वालिदैन से भी ये बात सीखी है, सानिया के अबू से भी ये चीज मैंने सीखी, यू नो, हम सब ने, कि हर चीज में आपको एक सबक मिलता है। एवरीथिंग इज अ टीचर इफ यू लेट इट बी। सो इट वाज, इट्स बीन अ वेरी एक्साइटिंग राइड। नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त, सो इंस्पिरेशनल नादिया। तुम्हारी हमेशा यही बातें होती हैं कि हर फेज में you always bring this alternative side of life and existence. और मैं समझता हूँ कि हम सबको, और यही मैं आपसे, मैंने खुद भी बहुत सीखा है आपकी आपकी जो जिंदगी की एक आगे जो उठान है, जो आगे बढ़ने का हौसला है, बहुत उम्दार। मैं समझता हूँ कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने आपको मैसेजेस बहुत कर दिए थे लवी डवी, और मैं परेशान था, लेकिन अब ये वक्त है कि हम कहें कि नादिया हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम बस बहादुरी से मुकम्मल तौर पर सेहत याब होकर वापस। मैं सानिया आपकी तरफ बढ़ता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे आप ये बताइए नादिया की इस पूरी ये सबक के बारे में जो बात करी है, जिंदगी के बारे में बात करी है, कुछ नादिया के बारे में बताएं, कुछ आप इनसे पूछें भी, बिल्कुल the floor is yours। नादिया, तुम्हारे ख्याल में मैं क्या कहने वाली हूँ जो तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं क्या कहने वाली हूँ? पता है, मैं तो बार बार इतनी हसद से देख रही हूँ कि मेरे घुंघरीले बाल मुझे वापस दे दे। और तुमने इतनी गलत हरकत की कि तुमने मेरे बगैर शेव कर लिया सर। क्या हो गया? और मैं कितने सालों से प्लान कर रही हूँ कि मैं अपना सर शेव करूंगी, और इसने अकेले कर लिया। बिल्कुल। हम दोनों बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं आज, मैं और नादिया, और हम दोनों के लिए ही थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद। I'm constantly looking at her, which I will try not to. Okay, I didn't send her a lot of messages because she really needed to be off social media. She needed to be off the radiation and everything. But somehow, I always know that she knows that I'm there. Like, yeah. Even if she doesn't want me to be there, I'm just there, you know. So, bahut si duaen, all my energies, everything for her all the time. To hum usko regularly bhej rahe the, bahut pyar. लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में कुछ शक नहीं था। मैं नादों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसको डिफीट करना इतना आसान नहीं है। मुझे था ये यकीन कि इट्स बहुत छोटा सा एक ये रास्ते में स्पीड ब्रेकर है, एंड देन शी विल बी बैक टू हर मैड सेल्फ एंड आई विल हैव टू डील विद इट। सो देयर शी इज, you can see the mad self. But by the way, I have always had to deal with her mad self. Yes. And I love it. I love it absolutely. I would not have it any other way. Anya, we all have dealt with that. And for years. So don't worry about that. And that's बड़े जालिम दोस्त मोहसिन, बड़े जालिम दोस्त। मैं आपकी तरफ आता हूं जनाब, आप ये कुछ फरमाइए कि नादिया को देखकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने देखा आपने साड़ी भी भेजी नादिया को, जो उन्होंने पहन कर, एक हसीन और जमील पिंक ट्री के ब्रांड, तुम्हारी ब्रांड की प्रमोशन भी हो जाए थोड़ी सी। सबसे पहले तो रजा, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि सानिया को
तुमने नादिया की सहेली कहा और मुझे कुछ नहीं कहा, मैं भी नादिया की सहेली हूँ, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब मुझे खबर मिली तो मैं तो इन दोनों खवातीन की तरह, मर्द तो वैसे ही बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है ना, यहाँ मैं कमजोरी के मामले में मर्द बन जाता हूँ, ठीक है ना, मैंने खूब हाय वावेला किया, खूब धाड़े मारी, खूब रोया, खूब अल्लाह मियां से शिकायतें की, खूब खूब भरपूर, ठीक है ना। और जैसे कुरतुलैन हैदर ने लिखा एक जगह कि बेवकूफों के सर पर खुदा का खास साया होता है, तो मुझे इस बात का यकीन था कि नादों के सर पे खुदा का खास साया है, क्योंकि इतनी बड़ी बेवकूफ औरत मैंने देखी नहीं है आगन बाल, ठीक है ना। तो इस बात का इत्मीनान इत्मीनान था कि ऊपर खुदा का खास साया है और अल्लाह मियां का खास साया है, वो उसका ख्याल रखेंगे। मगर हमारा तो दिल था ना, मैं तो खूब धाड़े मार मार के रोया, खूब शिकायतें की, खूब दुआएं की, जो भी कुछ हो सका। और जो तुम मतलब नादो के मुझे हर तरह से खूबसूरत लगती है, इसको पता है, हर तरह से इसके झबड़े बाल भी अच्छे लगते हैं, सानिया के झबड़े बाल भी मुझे बहुत पसंद है, और इसके स्टेज जब भी अपलोड ट्राई कराती है नादो तब भी अच्छी लगती है, और बालों के बगैर भी। और सानिया अगर तुम्हें इतनी हसरत है तो आओ, मैं मेरी बच्ची तुम्हें अपने प्यार से गंजा करूंगा, वो कहते ना वो हरियाला वो प्यारा सुलझाएगा हाथों से, तो तुम्हें गंजा करेगा अपने आप। मैं आप देखिएगा मैं करूंगी, मैं करूंगा, हम उसका वीडियो बनाएंगे और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। नादो का यू नो रजा कोविड टाइम्स पे नादो ने एनर्जी दी है, नादो ने हिम्मत दी है इस बहुत मुश्किल पीरियड से गुजरने की। ये जो उसकी खूबसूरत तस्वीरें आती थी और वीडियोस आते थे हंसती हुई बीमिंग, उसकी हंसी ने ना एनर्जी दी है कोविड से गुजरने की, मुश्किल वक्त से गुजरने की, वरना मैं तो धाड़े मार मार के शायद लटका लेता अपने आप को, बिल्कुल यू नो। बट शी वाज सो ब्रेव एंड एनर्जी एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट। नुस्सी, वी ऑल नो नुस्सी, अब नुस्सी को कौन डिफीट कर पाए, और नुस्सी की औलाद नादो जो कि नुस्सी की भी मां निकली, ठीक है ना, और हंस रही होगी। हाँ, नुस्सी इज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड नुस्सी इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट टू डिसाइड हु इज मैडर, नादो और नुस्सी। तो मतलब हम लोग के जो है ना हमारी कंडीशन बहुत मजेदार है बिटवीन द टू वुमेन। I'm sure Sanya will agree with me, and you know that. You know what Nusi told me once? मैं और नादो, नादो was saying खुदा हाफिज to me, और हम इसके driveway में खड़े थे, और Nusi हमें मिल गई जाते हुए, तो गपशप लगने लगी, and she was asking me कि क्या कर रही हो, क्या किया ये। When I told her something कि मैंने कुछ किया और मैंने उनको बताया, तो थोड़ी देर मुझे देखती रही आंखें बहुत बड़ी बड़ी करके, आप ही कहने लगी, I thought Nado was mad. But you are completely... Well, actually, yes. सानिया का पागलपन अपनी तरह का पागलपन है। मैं कहने मैं अगर सानिया से ज्यादा हेलो मुझे तमीज के दायरे में रहना पड़ रहा है। रहने दो था, नुस्सी रहने दो यार, अब क्या तमीज और क्या तमीज, हम सब 40 से ऊपर। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ बात छोड़े, अब क्या, अब क्या करना। दूसरी हम लोगों पे तो गाना फिट आता है ना, हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, बिल्कुल सही। और जो सारी मैंने बनाई थी वो नादो को दिमाग में रखते हुए, इसकी रिकवरी से ऐसा लग रहा था कि हमें दोबारा जिंदगी मिल गई। तो आई जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट नादो। बिल्कुल, मेरा भी यही जाती तजुर्बा था कि जब मुझे मालूम पड़ा कि नादिया की डायग्नोसिस हुआ है, तो एकदम मैं एक दो दिन तो सकते में रहा, लेकिन फिर मैं नादिया ने अपनी तस्वीर जो है वो फेसबुक में, नादिया ने कहा आई हैव बीन डायग्नोस्ड एंड आई वांट टू फाइट दिस,
मैंने कहा या खुदाया, ये मतलब ये कि मैं तो रोना धोने के मैसेज एक ड्राफ्ट कर रहा था कि नाचना ये वो, और वो नादिया बेगम जो है वो खड़ी हुई कह रही है कि मैं तो मैदान में निकल रही हूँ, और रोना धोना नहीं चलता, रोना धोना नादो नुस्सी सानिया के साथ नहीं चलता बेकार जाया करने का, इसलिए अल्लाह ने ऐसे लड़ते अरे मैं सबको साड़ियां पहनाऊंगा, खुद भी पहन के खड़ा हो जाऊंगा, तुम लोग आओ तो। सानो क्या क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि रोने धोने का और आंसू का भी एक वक्त होता है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो तो फिर तो एक ही चॉइस होती है। हाँ उठो हथियार निकालो और फाइल लाइक नादिया। हाँ तो मैं मैं अगले जो बात मैं करना चाह रहा था और वो मैं ये कहना चाह रहा था कि नादिया की बिल्कुल मोहसिन आपने कहा कोविड के जमाने में जिस तरह से नादिया ने इंस्पायर किया जिंदगी की एक जो है रमक और हिम्मत जो है सबकी बांधी, और उसके साथ नादिया का देखिए जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि नादिया बहुत से लोग एक्टिविज्म करते हैं यहाँ भी हर मुल्क में, नादिया कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व है उन बच्चों के साथ जहाँ पर उनकी वो उनको मदद करती रही है, ग्रूम करती रही है, मेंटोर करती रही है, उसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स उस हालत में भी नादिया दीप होती थी, और मैं इससे बहुत जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं बहुत आई वॉज टच्ड भी मगर आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। और सानिया आपने भी ये खूबी है कि आप भी अपने जो कॉजेज हैं, मैं इतना तो आपको नहीं जानता जाती तौर पर, लेकिन ये कि आप भी अपने कॉजेज जो हैं उनको नहीं छोड़िए, तो मुझे ये बताइए कि नादिया का ये जो काम है आपने कैसे इसको देखा है कि इतनी मसरूफियत, अपने बच्चे भी पाल रही है, ड्रामे भी कर रही है, साथ में वो SOS विलेज भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, वो शांति नगर में जाकर कंबल भी बांट रही है, खाने भी कर रही है, सो हाउ हैव यू व्यूड नादिया जमील एज दिस एक्टर एक्टिविस्ट यू नो इनकी नॉलेज? रजा, आई डोंट थिंक उसको व्यू करने की बात है, दैट इज हु नादिया इज, दैट इज हु शी इज, शी इज नथिंग विदाउट इट, आई कांट सेपरेट द टू, शी हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट, शी हैज ऑलवेज स्टूड फॉर व्हाट शी बिलीव्ड इन, और यही तो एक खास बात है नादो की जो इसको मुनफरिद भी करती है कि यू नो कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि चलो इसमें हमने इतना कह दिया, हम यहाँ हमने ये बयान दे दिया, हमने ट्वीट कर दिया, ये काफी है, ये हर जगह पहुंची, क्राइसिस में भी पहुंची, जब बस्तियां जल गई ये पहुंची, और जब हम कहते हैं नादिया मैड है तो वो इसलिए नहीं कि उसकी एनर्जी एक एक वोल्केनो के जैसी है, वो इसलिए भी मैड है क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो जो एक है अपने बारे में सोचना, इस वक्त जाना सही भी है या नहीं, इस वक्त कहना सही भी है या नहीं, वो भी नादिया बाज़ दफा नहीं सोचती, और उसको कहना पड़ता है कि ओ बहन हेलो होल्ड योर हॉर्सेस, एहतियात, अरे अल्फाज, अरे यार ना दो, यू नो, बट वो भी नहीं करते, शी इज वेरी honest with whatever she feels. तो और दूसरा ये कि इतना actively social media पे रहना और वो बातें कहते रहना, मैं नहीं कर सकती, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो मैं social media पे मैं उसको you know hammer नहीं कर सकती जिस तरह वो opinion अपना सुनवाती है आपको, you know, which I think is so important right now कि she picks on an issue, she asks the right questions, she keeps at it till something happens. You know, I think and that is not like wo aapke saap pe sawar ho jayegi and she'll make it happen. So I think ye ek bahut aisa characteristic hai Nado ka jo jo Nado hai, that's her. That's why we love her so much. बिल्कुल बहुत व्हाट शी इज बट व्हाट शी बिलीव्स इन एंड हाउ शी एग्जीक्यूट्स व्हाट शी बिलीव्स इन, सो बिल्कुल तो रजा मुझे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ, आज से कोई 24 साल पहले की बात है, एक यंग सी लड़की ना, उस वक्त लड़कियां ज्यादातर अफेयर्स चलाने में खूबसूरत लगने में मसरूफ होती हैं, और एक यंग सी लड़की को मैं इंटरव्यू करने गया उनके घर, बैठा हुआ था तो एक गुलबर्ग में ऑफनेज है, वहां से एक प्यारी मोटी काली कल्लूटी बच्ची आई जो कि नादो की बेटी थी,
अर्नाडो ने उनको अडॉप्ट किया था। और जो आप दोनों माँ बेटी का सीन देखते, मतलब ये इंटरव्यू भूल गए, ये भूल गई सब कुछ, और एक एक खुल गया ना कि बड़े जैसे, हालांकि सिर्फ एक दिन बाद मिल रही थी, वो रोज शाम को इनके पास वक्त गुजारने आती थी वो, मगर ये एक दिन बाद मिल रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं महीनों सालों बाद मिल रही है ना दोनों। एंड आई वाज जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्विंग कि क्या मोहब्बत थी, एंड जो बच्ची का प्यार था नादो की तरफ, ठीक है ना, तो उस वक्त से लेके मैं नादो को देख रहा हूँ, जैसे सानिया ने कहा शी इज एट इट, मगर नादो लीड्स बाय एग्जांपल, सबसे अच्छी बात यह। और दूसरी बात यह कि आसाब पे तो सवार हो जाती है, मगर आसाब पे ऐसे सवार होती है कि पता नहीं लगता, बहुत प्यारे तरीके से। नादो इज नेवर अग्रेसिव हमारी तरफ, मेरी तरह, मैं अपना ही बात करूंगा, मैं तो बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं तो गाले गलोच पे उतर आता हूँ, ये बहुत प्यार से ये कन्वर्जन करती है, प्यार से कन्वर्जन करती रहती है, एंड लीड्स बाय एग्जांपल। ये तस्वीरें देख जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने सारे बच्चे नादो के हैं, यू नो, एंड वो सबके साथ उतनी ही मोहब्बत करती है। नादो आई फॉरगॉट दैट गर्ल्स नेम, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई उनकी, वो मार्टिना, अब क्या करी नादो, वो कॉलेज मास्टर्स मुबारक हो नादो तुमको, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, खामोश करनी है। हाँ नुस्सी कुछ आप भी कहिए, एक तो मैं नुस्सी को हॉल उठते थे हॉल कि उनके घर में से नीचे बच्चे, मुझे अच्छा माशाल्लाह नुस्सी अपना जमाना भूल गई अपने एक्टिविज्म का, अपने जर्नलिज्म का, बच्चों के साथ नहीं है अभी भी है नुस्सी काफी सारा वक्त कुछ कर रही वैसे है। ये बात है बच्चों के साथ जितना नादो को लगता है मुझको भी नहीं बच्चे ना छोड़ना कभी। तो नादिया मुझे ये बताओ कि क्या ये अभी जो जो सारा सिलसिला रहा है, और अब एज यू आर रिकवरिंग माशाल्लाह, एंड आई होप इट ये बहुत जल्द हो जाए, सारा मामला ठीक हो जाए, मुकम्मल सेहतियाबी, तो व्हाट डिड यू फील जब ये जब अपनी आप थेरेपी के लिए जा रही थी रेडिएशन के लिए, क्या जहन में क्या सवालात, क्या ख्यालात, क्या थैंक यू वन वेरी मच टू टेक वन आवर एट अ टाइम, एंड बिकॉज कीमोथेरेपी के बाद दहरी बार देयर इंजेक्टिंग अ लॉट ऑफ पॉइजन इनटू यू, बहुत सारा जहर, और आप आपके जिस्म का इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वो यही है कि जहर को मैंने अपने जिस्म से निकालना है, वो रिजेक्ट करता है कीमोथेरेपी को। तो आई थिंक इट इज वेरी मच अबाउट माई बॉडी एंड अबाउट रेस्टिंग एंड अबाउट मेडिटेशन, अबाउट जस्ट गेटिंग थ्रू द डे समहाउ एंड फाइंडिंग थिंग्स, मैं वो मेरे लिए और वो चीजें ढूंढती थी जिससे मैं खुश हूँ, जिससे एंड आई थिंक कैंसर एक ऐसी चीज है कि खासतौर पर ये जो हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है ये फौरी जाता नहीं है फौरी तौर पे, अभी 5-6 साल मैं हार्मोन थेरेपी पे रहूंगी ताकि ये दोबारा ना निकल आए, क्योंकि मेरा जिस्म एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता रहेगा, जब तक एस्ट्रोजन को ये ना खत्म करें तो ये कैंसर दोबारा आ सकता है। 5-6 साल हार्मोन थेरेपी रहेगी, अभी इंशाल्लाह मुझे पता चलेगा और 2 हफ्तों में कि आगे मेरी सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी प्लान हो, तो वो 2-3 हफ्तों में चलेगी, वो है कि नहीं, तो इट्स ऑन गोइंग एंड यू लर्न कि जिस्म को है वो उसको सिर्फ इतना कंट्रोल है मेरे ऊपर और मेरी वरना मेरी जिंदगी पे, और जो मेरे चॉइसेस हैं और जो मैं करना चाहती हूँ और जो मैं हूँ वो सिर्फ मेरा जिस्म और ये बीमारी नहीं है, वो बहुत सारी और चीजें हैं जो कि नहीं रोक सकती, हमारी कोई बीमारी नहीं रोक सकती चीज, चाहे ये आए ना आए, हो ना हो। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं, ये एक्टिविज्म नहीं है मेरे लिए, ये बच्चे मेरी जिंदगी है,
ये जैसे सानों ने कहा, मैं खैर कुछ नहीं, 17 साल की थी जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया और इन्होंने मेरी जान बचाई। और मेरे ख्याल में आज बल्कि मैं पहली बार ये कह सकती हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी में बच्चों का इस्तेमाल किया, मैंने इनके सहारे में सेन रही हूँ और स्वरूप जिंदगी में बढ़ती रही। यहाँ पे जब मेरी हुई थी कैंसर के दौरान, कोविड के दौरान, मेरे साथ नहीं थे, मैं इनके पीछे नहीं छुप सकती थी। और मुझे पहली बार चीज मेरे से स्ट्रिक्ट की गई, ना मेरे बच्चे मेरे साथ थे, ना मेरे बाल मेरे साथ थे, ना मेरा काम मेरे साथ था, ना मेरी सेहत, ना मेरी एनर्जी। और सब कुछ स्ट्रिप हो गया तो मैंने शीशे में जो चीज देखी मुझे पसंद आई, और लेकिन मैं पहली बार अपने आप को देखा, क्योंकि मैं हमेशा छुपती रही रिश्तों के पीछे, और मैंने पहली बार अपने आप देखा और मैंने कहा नाइस, आई कैन लिव विद दिस पर्सन, आई कैन डू इट। यस नादिया, यू लुकिंग इक्वली ग्लैमरस बाय द वे, और ये तुम्हारा नया स्टाइल है ना, देखो शनाटो कोनोर, मैं तो बहुत बड़ा उनका फैन हूँ हमेशा से, तो अब तो हमारी नहीं, मेरा मेरी भी सानिया की तरह, मेरी भी हमेशा से मैं सोचती रहती थी मैं बाल शेव करूं, मैं वजन कम करूंगी तब मैं करूंगी, मैं वजन कम करूंगी तब मैं करूंगी, तो अल्लाह मियां ने ऐसी की तैसी कर दी कि वजन तुम्हारा कम होना नहीं है, बाल तुम्हारे मैं उतार देता हूँ। और मेरे पता शेव अम्मी ने बड़े बाल, अच्छा अम्मी ने जब मेरे शेव बाल होने थे उससे एक रात पहले थोड़ी सी सेंटिमेंटल हुई, मैं रोई, मैंने कहा मेरे बाल पता नहीं आएंगे वापस नहीं आएंगे, अब आई डोंट केयर सो मच, उस वक्त मैं थोड़ी परेशान थी, और मैंने बड़े प्यार से अपने बालों को नहलाया रोज शैम्पू, और अम्मी ने मुझे कहा अरे भाई मैं तुम्हारे साथ अपने बाल शेव करूँ। एक हम तकरीबे गंज करेंगे, सानिया और नुस्सी को दोनों को गंजा किया जाएगा, नादिया कम्स बैक वी हैव अ पार्टी, we'll have a tribe ganj industry and sanya lekin main ye aapne khair bata diya lekin aap bhi kya, kyunki mujhe to maine dekha hai ki ye zahiri baat hai, you know losing your hair is a traumatic event, it shouldn't be though, I mean it wasn't actually, jab hua to main itni traumatized nahi hui, mujhe ehsaas hua ki as a south asian woman हम लोग कितना हम अपनी आइडेंटिटी के साथ, मेरे बाल इस कदर मेरी आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए थे, और जब वो नहीं थे बाल तब मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप को देख रही हूँ, मुझे जैसे मैंने कहा मुझे अपना चेहरा अच्छा लगा, और मैंने बहुत सारी चीजें होती है कैंसर में जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो जो आपसे ले ली जाती है, जैसे कि आपके बाल जिनकी मसेक्टमी होती है उनकी फुल यू नो छाती उतार दी जाती है, तो बहुत मतलब कैंसर एक ऐसी चीज है कि आप अपने जो आपने बनाई भी है मुआशरे के लिए एक आइडेंटिटी के पीछे आप नहीं छुप सकते, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि नादिया जो आपका काम है ना ये पब्लिक डोमेन में इसको जो आप ला रही हैं ये बहुत सारे जो गलत आइडियाज भी और जो शेम और लगाया जाता है ना कि ओह कैंसर हो गया पता नहीं क्या कोई अछूत बीमारी है, यू नो दुनिया में मेरे अंकोलॉजिस्ट मुझे बता रहे थे दुनिया में 3 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है, और पाकिस्तान में काफी इसकी थोड़ा सा ज्यादा फैल गया होता है इसको पकड़ते हैं, वजह ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अपनी छाती का मुआयना नहीं करना चाहती, उनको शर्म महसूस होती है इसमें, हालांकि नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक छोटी सी चीज है, अगर आप अपना मुआयना करना सीख लें
खुद ही अपने हाथों से ही, और बाद में जब आपको ऐसा कोई आपको पता फौरन चल जाएगा कि ये कोई गैर मामूली चीज है मेरे जिस्म में, क्योंकि आप बाकायदगी से अपने आप चेक करती रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक गैर मामूली चीज है और आप फौरन डॉक्टर पे जाएंगी। और ये एक ऐसी बीमारी है जितनी जल्दी ये पकड़ी जाए उतनी ही जल्दी आपको शफा मिलती है और आप ठीक हो सकते हैं। मेरी कजन जो मेरे से कुछ महीने पहले डायग्नोज हुई थी, उसका ट्यूमर 8 महीने से उसके अंदर खामोशी से बढ़ रहा था और पता नहीं चलता आपको, कोई इसका सिम्टम नहीं होता, ना बुखार होता है, ना इंसान थकता है, ना जिस्म में कोई दर्द होती है। तो इसका एक ही पकड़ है और वो ये है कि आप अपना मुआयना करें। और बहुत सारी खवातीन हैं जो ट्रीटमेंट भी नहीं करती और मुआयने भी नहीं करती और इसीलिए उनकी जान खतरे में हो जाती है। फिर बिल्कुल ये बहुत अच्छा पैगाम दे रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर की अवेयरनेस जो है उसका शऊर अभी आहिस्ता आहिस्ता ही आ रहा है और उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। और सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में और भी बहुत मुल्कों में ऐसा ही है। डर बहुत हमारे यहाँ ख्याल है कि अब यार ना जाओ डॉक्टर के पास, ऐसी बीमारी पकड़ी जाएगी। भाई डॉक्टर के पास आने से बीमारी नहीं पकड़ी जाएगी, डॉक्टर बीमारी को ठीक करेगा। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानती जो कहते नहीं मैंने डॉक्टरों के चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि ये फिर कुछ निकल आता है।